क्या फ्रेंड्स आपके यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हो जो कि यहाँ पर आप पहले यहाँ पर YT स्टूडियो ओपन करते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको अर्निंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर जो अर्निंग आपकी शो रहती है, जो लाइन रहती है वो शो नहीं कर रही है, तो ये प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर YT स्टूडियो ओपन करते हो और आपको अर्निंग शो नहीं होती है अर्ने वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो आज की वीडियो में इसके बारे में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा फ्रेंड ये क्या सिस्टम है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं YT स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हो कि यहाँ पर आपके सामने मैंने YT स्टूडियो ओपन कर लिया। उसके बाद फ्रेंड जैसे ही YT स्टूडियो ओपन होता है तो मैं यहाँ पर आके क्लिक कर देता हूँ अर्न वाले पे। जैसे ही क्लिक करूंगा फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पहले यहाँ पर आपको लाइन शो होती थी यहाँ पर अर्निंग की कि आपके कितना क्या डॉलर बना है, तो यहाँ पर आप शो नहीं हो रही, तो किस तरीके से यहाँ पर इसको यहाँ पर फिर से ला सकते हो और इस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो करने के लिए फ्रेंड आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अपना प्ले स्टोर पर चले जाना है। सिंपली यहाँ पर मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च वालों क्लिक कर देता हूँ, इस पर जैसे क्लिक करो तो YT स्टूडियो आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर YT स्टूडियो पे चले जाना है, तो यहाँ पर आपका अपडेट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो अपडेट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके अपडेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल पहले से ही अपडेट करके रखा है, तो आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद फ्रेंड्स आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको फिर से क्या करना है, YT स्टूडियो को सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। ऐप इन्फो पे जैसे क्लिक करो फ्रेंड आपके सामने स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करो फ्रेंड आपके सामने ऑप्शन लिया क्लियर डाटा, तो सिंपली आपको क्लियर डाटा कर देना है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे क्लिक करो डिलीट ऑल डाटा, तो इस पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड आपको फिर से क्या करना है, आपको YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। YT स्टूडियो ओपन होने के बाद आपके सामने जो जीमेल मांगेगा जिससे आपका यूट्यूब लिंक होगा, तो सिंपली तरीके से यहाँ पर आपको वो जीमेल सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी मेरा अकाउंट था वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी कर लेना है। जीमेल को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो वेलकम टू YT स्टूडियो, तो आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने फिर से इस तरीके का इंटरफेस खुलने को मिल जाएगा, तो आपको अर्ने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अर्ने वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पर फ्रेंड आप देख सकते हो कि फिर से यहाँ पर कुछ यहाँ पर YT स्टूडियो एप्लीकेशन में बग चल रहा है, जो कि यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा। तो आपको करना क्या है फ्रेंड, यहाँ पर सिंपली आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको अपने प्रोफाइल वाले लोगों पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करो फ्रेंड ऑप्शन मिलेगा सेंड फीडबैक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करो फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको जो जीमेल सिलेक्ट कर लेना है जिस पे आपका यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ फिलहाल के लिए मेरा वही कर लेता हूँ। करने के तरीके से आ जाने के बाद फ्रेंड आपको जीमेल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है फिक्स माय प्रॉब्लम फ्रेंड, इस तरीके से टाइप कर देना है। उसके बाद आपको सेंड कर देना है, ऊपर साइड दे दो सेंड का ऑप्शन है, सिंपली आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद फ्रेंड आपको 24 घंटे के अंदर या उससे पहले भी आपके यहाँ पर जो